दोस्तों दोस्ती मोटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, दोस्ती मोटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं और दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास में ये पड़ा हुआ क्रैंक कैमशाफ्ट डेल्फी बॉस दोनों पड़ा हुआ है। और दोस्तों इसके बाद में आपका कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। पहले अब्बास भाई से सुन लीजिए क्या बता रहे हैं क्या नहीं है, फिर मैं आपका आपने जो कमेंट किया है वो उसका कमेंट का जवाब मैं अब्बास भाई के बोलने के बाद दूंगा। तो चलिए अब्बास भाई आपको कुछ बताएंगे, जो भी ये स्पेयर आया है वो उसके बारे में अब्बास भाई आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो इसलिए बन रहा है कि क्रैंक साफ जो ओरिजिनल कंपनी का आता है, ये भी ओरिजिनल कंपनी का ही है, तो वो 17,800 का समथिंग आता है। तो अपने पास ये क्रैंकशाफ्ट है और ये आपको बहुत ही रेट में अभी नहीं बोलूँगा, आप जिसको चाहिए आप फ़ोन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया गया है तो सोचे नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अशोक लेलैंड पार्टनर का कोई भी सामान चाहिए आपको, इंजन का या कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए आपको, तो बेफिक्र होकर हम लोग कॉल कर सकते हैं। आपको कुछ भी चाहिए पार्टनर का, छोटा से लेके बड़ा आइटम आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, वो भी कैश ऑन डिलीवरी और जेन्युइन स्पेयर पार्ट। तो दोस्तों ये है क्रैंक कैमशाफ्ट डेल्फी बॉस दोनों हैं, ये क्रैंक है और ये जो कंपनी का जो लेपर्स का जो आता है उससे कम में दे दूंगा, माल लेपर्स का ही है, ये वेंडर वाला माल बोलते हैं उसको। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो हमें कॉल कर लीजिएगा, आपको रेट में दे दूंगा। और काफ़ी आइटम है अपने पास में वेंडर वाला जो आप मंगवा सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी में। तो अभी मुश्ताक भाई आपको कुछ बताएंगे। दोस्तों अगर कुछ भी सामान आपको मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है अब्बास भाई का। तो और मोबाइल ऐप के अंदर भी आप ऑर्डर कर सकते हो, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, दुकान ऐप करके नाम दिया हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो आप उसके अंदर जाके भी आप ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी कमेंट शुरू करते हैं। पहला कमेंट है एम के एलवाइस जी का, ये कमेंट है 40 में स्पीड बढ़ने से इंजन का पिकअप छोड़ देता है, प्रॉब्लम क्या है, बहुत दिन हो गए ऐसा ही होता है। तो देखिए भाई 40 का स्पीड के ऊपर गाड़ी जाती नहीं है, इसके भी बहुत से कारण रहते हैं, फ्यूल सेंसर का रहता है और इंजेक्टर का भी रहता है, वायरिंग का भी रहता है, फैन का फ्यूज़ उड़ने से भी ये प्रॉब्लम आती है और पानी नहीं रहने से भी ये प्रॉब्लम आती है, वायरिंग में प्रॉब्लम आने से भी ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों, और उसका जो ब्रेक स्विच आता है वो ख़राब होने से भी ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है। और दूसरा कमेंट लेते हैं हम, राठौड़ सागर जी का एक कमेंट है, भाई मेरी गाड़ी गैसकेट चेंज करने में कितना पैसा लगेगा भाई। देखिए भाई सागर भाई, हम ऐसा नहीं बता सकते, हमारे पास तो ऐसा तो कम में ही होता है, लेकिन आप अगर यहाँ पे आओगे तो हम आपको बताएंगे कितना खर्चा आएगा क्या आएगा, हम ऐसा वीडियो में पैसे की बात हम लोग करते ही नहीं भाई, कि कितने का आएगा सामान, कितना खर्चा आएगा, कितना टोटल लगेगा, ये हम लोग किसी को बताते नहीं है, क्योंकि कोई गैरेज वाला या वर्कशॉप वाला कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, इसके हिसाब से हम लोग किसी को बताते नहीं है भाई। तो चलिए दोस्तों दूसरा और कमेंट लेते हैं, नवजीत सिंह जी का एक कमेंट है, पार्टनर गाड़ी में इश्यू सेंसर फ्यूज़ बार बार उड़ा रहा है, कहाँ पर शॉर्ट होगा। तो नवजीत जी ऐसा है कि वो चेक करने के बाद ही पता चलता है कहाँ शॉर्ट है वायरिंग को,
ऐसा अंदाज किसी को भी पता नहीं होगा कि किधर शॉर्ट होगा, वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा भाई कि कहाँ पर शॉर्ट होगा। आपका वायरिंग ही शॉर्ट होगा या तो फिर कटा होगा, कैसे कहीं टच हो रहा होगा, अर्थिंग हो रहा होगा, इसके लिए आपका बार बार फ्यूज़ उड़ रहा है। तो आप वायरिंग एक बार चेक कर लीजिए तो ही पता चलेगा भाई, ऐसा पता नहीं चलेगा क्या कहाँ पर शॉर्ट है, कहाँ कटा हुआ है। तो आप एक बार उसको चेक कर लीजिए। और दूसरा कमेंट लेते हैं हम। अतुल रश्कार जी का एक कमेंट है, भाई मेरा दोस्त प्लस है 1475 वाला गाड़ी, भाई गाड़ी को 6 महीना हुआ है, 13,000 रनिंग हुआ है, पर ड्राइवर साइड का टायर पूरा खा लिया है, बहुत परेशान हूँ भाई, आपका नंबर भेजो। देखिए भाई, अगर आप कहीं आसपास में होंगे यहाँ पर हमारे सूरत के आसपास में, तो आप आके हमारे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको दूर है अगर आप, तो उसमें ऐसा है भाई, उसको चेक करने के बाद ही पता चलता है उसका जो लेवल रहता है टायर का, उसका जो नकल का, स्पेंडल का, फिर आई बीम का, फिर उसके पाटे का कितना बैंड है, कितना है, और उसका बुश कैसा है, ये सब हम लोग चेक करने के बाद ही बोलते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने बहुत से प्रॉब्लम ये सोल्व करके दिए भाई, अगर आपको करना है तो आप आ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको 100% हम प्रॉब्लम सोल्व करके देंगे। तो चलिए दोस्तों, और दूसरा कमेंट लेते हैं। अमन जालन जी का एक कमेंट है, मैंने वायर न्यू डलवा दी है फिर भी दूसरा गियर बहुत टाइट पड़ रहा है, क्या करूं मैं। अतुल अमन जी का ये कमेंट है कि इन्होंने वायर भी नया डलवा दिया तो भी इनका दूसरा गियर बहुत टाइट गिर रहा है। मैं आपको है ना थोड़ी देर कॉल करता हूं। अमन भाई अब ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में नहीं बल्कि सब गाड़ी के अंदर है, उसका बिल्कुल टेंशन ना ले आप, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, ये कंपनी से ही ये प्रॉब्लम है भाई। दूसरा गियर सभी गाड़ी के अंदर टाइट गिरेगा और टाइट गिरता ही है, तो आप खर्चा करके आपको कुछ मतलब नहीं है, आप गियर भी खुलवा दोगे तो भी आपका प्रॉब्लम सोल्व होने वाला नहीं है, वही ना वही रहेगा भाई। दूसरा गियर का प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो, आप कितना भी कुछ कर लो, वायर नया डलवा दो, केबल नया डलवा दो, अंदर के चक्कर नया डलवा दो, सिंक्रोनाइजर नया डलवा दो, पूरा गियर चेंज कर दो आप, तो भी आपका ये प्रॉब्लम रहने वाला ही है भाई। दूसरा गियर हर गाड़ी के अंदर टाइट ही गिरता है, तो आप ये ध्यान में रख लीजिए। और मैं सबको यही बोलता हूँ, बहुत कमेंट आते ही है कि भाई दूसरा गियर बहुत हार्ड गिर रहा है। तो भाई ये दूसरा गियर हार्ड गिरता ही है, ये कंपनी से ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। आप बिल्कुल बिंदास चलाइए, आप खर्चा करोगे कोई मतलब का नहीं है, तो बेफिक्र हो के आप गाड़ी चलाइए भाई, ये प्रॉब्लम है नहीं, ये ऐसा ही कंपनी से आया हुआ है हर गाड़ी के अंदर। तो चलिए अभी दूसरा कमेंट लेते हैं। अशोक मौर्य जी का एक कमेंट है, भाई साहब 2014 मॉडल गाड़ी में न्यू मॉडल की क्लच प्लेट डाल सकते हैं क्या, अगर डाल सकते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए भाई, फ़र्क तो ये पड़ेगा क्योंकि आपकी जो क्लच प्लेट है वो ताकत जल्दी ज़्यादा बनाएगी, ये स्पीड जो ताकत रहती है गाड़ी की वो जल्दी करेगी, और प्लस उसकी जो लॉन्ग टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। जो आपके क्लच प्लेट जैसा 6 महीने में जलती है, साल में जलती है, तो थोड़ा 2-3 महीने या 4-5 महीना ज़्यादा चलेगी, तो डाल सकते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो डालने से पहले आपको उसका जो फ्लाई व्हील आता है, फ्लाई व्हील, तो
तो वो आपको चेंज करना पड़ेगा, वो नया मॉडल का आपको डलवाना पड़ेगा भाई। फ्लाईव्हील आपको नया मॉडल का डलवाने के बाद ही ये क्लच प्लेट फिट होगा। तो ऐसा लग जाएगा भाई नया मॉडल का भी क्लच प्लेट, लेकिन आपको फ्लाईव्हील डालना पड़ेगा तो ही आपका क्लच प्लेट लगेगा। अगर आप इसमें वही फ्लाईव्हील में डालते हो तो नहीं लगेगा भाई, ये आप ध्यान में रख लीजिए। चलिए दूसरा पढ़ते हैं भाई, ये राहुल रॉय जी का ये कमेंट है भाई। टाइमिंग बेल्ट चेंज करने के बाद हीटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं। देखिए भाई, टाइमिंग बेल्ट जो भी मैकेनिक चेंज करता है, तो कोई पाइप खोलता है पानी का पाइप, कोई नहीं खोलता है, कोई रेडिएटर बाहर करता है, सबका अलग अलग थ्योरी होता है। अगर पानी उसने अगर काढ़ा होगा आपके मैकेनिक ने, आपने जा काम कराया होगा, तो उसका एयर सही से नहीं निकला होगा तो ही आपकी गाड़ी गर्म हो रही है भाई, या तो फिर उसका फैन नहीं चल रहा होगा, ये प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो आप पानी चेक कराइए एक बार, उसका एयर सही से निकालिए, और प्लस उसका फ़ैन भी चेक करिए टाइम पे चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है भाई, बेल्ट से कोई गर्म होने का लेना देना नहीं है उसको, आप ये बात ध्यान में रखिए। बेल्ट से आप टाइमिंग बेल्ट डलवा रहे हो तो उसका बेल्ट से लेना देना कुछ नहीं है हीटिंग का। बेल्ट खाली घुमाने का काम करता है भाई इंजन को, दूसरा कोई काम नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, अभी अब्बास भाई आपसे कुछ बात करेंगे स्पेयर के बारे में, तो लीजिए अब्बास भाई। दोस्तों, ये जो स्पेयर पार्ट है अपने आप लोग सब मंगवा रहे हैं हम लोगों से, और कैश ऑन डिलीवरी में हम लोग माल भेज रहे हैं। कोई अगर कंप्लेंट आता है तो आप हमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी कंप्लेंट आता है सामान का तो हम लोगों को बता सकते हैं, और कभी भी फ़ोन कर सकते हैं उसके लिए। और अभी हम लोगों ने पार्टनर में जो है ना, पार्टनर में ज़्यादा हम लोग ये कर रहे हैं, पार्टनर गाड़ी का पूरा सामान। आपको कुछ भी सामान चाहिए अशोक लेलैंड पार्टनर, दोस्त का तो सारा सामान मिलता ही है, तो पार्टनर का भी सारा सामान मिलेगा आपको। तो कुछ भी सामान का ऑर्डर करना है तो हमें फ़ोन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और बड़ा दोस्त का भी सामान मिल जाएगा। बड़ा दोस्त का अभी इतना यहाँ पे इतना गाड़ी है नहीं, लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ है बड़ा दोस्त का तो सामान सब मिल जाएगा। बड़ा दोस्त का हेडलाइट मिल जाएगा, बहुत सा सामान सामान तो सब कुछ है अपने पास में, लेकिन इधर में क्या है कि अशोक लेलैंड दोस्त गाड़ी बहुत है, और पार्टनर भी आ रहा है। बड़ा दोस्त भी अभी आ रहा है, लेकिन सामान आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो हाँ रिक्वायरमेंट दे सकते हैं हम लोगों को, तो सामान मिल जाएगा आपको। बड़ा दोस्त का पूरा डिफरेंशियल भी पड़ा हुआ है अपने पास में, गुच्छा जिसको बोलते हैं वो भी मिल जाएगा, और टर्बो हर्बो सब मिल जाएगा आपको बड़ा दोस्त का। तो दोस्तों, इसी तरह आप ऑर्डर देते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उसे ये वीडियो पहुँचते रहे और वो लाभ उठाते रहे। मुश्ताक भाई आपसे कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी देखिए आपको भी पता होगा कि हम लोग काफ़ी दिन हो गए वीडियो डाल नहीं रहे थे, तो दोस्तों हमारे पास काम इतना आ रहा है कि हमारे को फुर्सत ही नहीं मिल रही है। अभी भी हम लोग ने थोड़ा टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं। चलिए, अब्बास भाई को मैंने बोला चलो अब्बास भाई वीडियो बनाते हैं, हमारे दोस्तों को पहुँचाना है, थोड़ा कमेंट का भी उनको जवाब देना है, और आपका स्पेयर पार्ट आपको स्पेयर पार्ट भी बताना है। तो हम लोग ने थोड़ा टाइम निकाले, देखिए अभी भी हमारे पास इतना काम पड़ा हुआ है, पूरा हमारा वर्कशॉप भरा हुआ है, सब अभी भी लगे हुए हैं लाइट लगा के। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये लोग वीडियो नहीं डाल रहे तो हम लोग नहीं देखेंगे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप हर वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा हर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर नॉलेज आपको मिलता रहे और हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और हमारा जो दूसरा चैनल है
HM ऑटो स्पेयर्स डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, ये लिंक दिया हुआ है, तो उस पर जाके भी आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे सब आपको स्पेयर पार्ट का जो भी रिक्वायरमेंट लेना है, जो भी पूछना है, वो आप उसके अंदर जाके आप पूछ सकते हो या फिर देख सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे तक देखते रहिए।